न्यूज़क्लिक में आप सबका स्वागत है। आप सब इस समय अपने दर्शकों को बता दें कि हम बात करने जा रहे हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो टीम है उनके साथ। इन्होंने बहुत अहम एक रिपोर्ट जारी की है जो 9 भाषाओं में अलग अलग आई है और आर्टिकल 14 के जरिए इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे सामने हैं। ये रिपोर्ट बात करती है कोरोना की, ये रिपोर्ट बात करती है लॉकडाउन की, और ये रिपोर्ट इसके साथ साथ बात करती है कि सरकार को क्या करने का सुझाव वैज्ञानिकों ने दिया और सरकार ने क्या किया, क्या अनदेखी की। इसके बारे में हम खुद जानेंगे इस टीम के जो लोग हैं उनसे। नितिन सेठी हैं हमारे साथ, मृदुला हैं और अंकुर हैं। आप तीनों का न्यूज क्लिक पर बहुत बहुत स्वागत है। नितिन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे ये दिमाग में आया कि इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। तो भाषा, 2-3 चीजें शुरू से हम 5-6 लोगों को दिख रही थी कि एक ये कोई नहीं बोल पा रहा था कि सरकार किस बलबूते पे अपने क्या डिसीजन ले रही है। दूसरा ये साफ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नाराज हैं और वो कह रही हैं कि सरकार हमारी नहीं, केंद्र सरकार हमारी नहीं सुनती, केंद्र सरकार बोल रहा है कुछ और हम उसकी सच्चाई जानना चाहते थे कि इनके बीच में हो क्या रहा है। और तीसरा हम देख रहे थे कि कई पत्रकार जो रोज काम कर रहे हैं, आप जैसे मेहनत रोज कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि नंबर्स हमें समझ ही नहीं आ रहे कि बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। उनको दिख सबको रहा था कि ऊपर की परत भी खराब दिख रही थी। हमने सोचा कि हमारे पास समय है, रिसोर्सेज हैं कि हम घुस के देखें कि सच्चाई क्या है और थोड़ा और खोदे। तो इसलिए शुरू में संभव जो हमारे साथ नहीं है वो लगे, मृदुला, अंकुर, मैं अलग अलग जिले से खोदने लगे, अलग अलग कोने से खोदने लगे कि सच्चाई है क्या। जी मृदुला, आप थोड़ा सा बताएंगी कि जिस्ट में अगर हमारा पाठक, हमारा दर्शक समझना चाहे, क्या आपको हाथ लगा? तुम्हारे पड़ताल के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में ये दिखाई दिया कि एक्चुअली 4 पार्ट है, लेकिन जो नितिन और संभव ने जो काम किया वो कि वैज्ञानिकों ने सरकार को ये दावा दी थी कि वे लॉकडाउन ना करें, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद ICMR के जो वैज्ञानिक है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, जो देश का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेडिकल इश्यूज को लेके, उन्होंने सरकार को ये सुझाव दी थी कि आप अगर आप लॉकडाउन लगा चुके हैं तो इस लॉकडाउन को कैसे निकाल सकते हो, किस कंडीशन को देखना चाहिए, किस तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए, सर्वेलेंस करनी चाहिए, जो भी कैसे डाटा कलेक्ट करनी चाहिए। और हमारे पड़ताल की दूसरी हिस्सा जो है, ये जो आज सुबह आई है, इसमें देखा जाता है कि जो भी डाटा सरकार ने और मतलब राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने डेटा को कलेक्ट की है। केंद्र सरकार लैब डेटा का कलेक्शन कर रही है, राज्य सरकार ये ग्राउंड ट्रूथिंग वाला नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के डेटा यूज कर रहे हैं, और इसमें काफी फर्क पड़े हैं। तो जो भी ICMR ये सुझाव दे रही है केंद्र सरकार को कि आप लॉकडाउन इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कंटिन्यू करने चाहिए, ये सब गलत डेटा से है जो आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। आज तक हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअली सच में कितने कोरोना केसेस है इस देश में और हुए हैं। नितिन, ये बहुत अहम बात है और खास तौर से उस समय हम ये बात कर रहे हैं जब 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं कोरोना के संदर्भ में जो लॉकडाउन देश में देखा गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सुझाव थे और सुझाव के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा एक मुद्दा इस समय ये भी हमारे सामने आया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कैसे आप घोषित करें कौन सा जिला होगा, कैसे आप देखेंगे, इसकी भी बड़ी पैमाने पर अनदेखी हुई। जी, आपने सही बोला कि 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके नीचे हमारी कहानियां उनका एक तरीके से स्रोत हैं और दिखाती हैं कि क्या मुसीबतें आई हैं। एक, केंद्र सरकार ने सब अपने ऊपर ले लिया कि हम ही बताएंगे पूरे देश में हर जिले में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और जिस बेसिस पे वो उन्होंने सोचा कि वो बता पाएंगे सारे राज्यों को, हमें वो दिखा कि उसी में बहुत समस्या है, वो डेटा इनके पास है ही नहीं। जो एजेंसी ICMR जिसका मृदुला ने रेफरेंस दिया,
जिसका काम था रिसर्च करना, उसकी रिसर्च तो सुनी नहीं और उसकी बजाय उसको लगा दिया डेटा कलेक्शन के लिए, जो एक दूसरी एजेंसी का काम था। और वो पहली वाली एजेंसी भी काम करती रही, ये वाले भी करते रहे, और 4 महीने हो गए हैं अभी तक किसी को नहीं पता है कि असली नंबर कितने हैं। ICMR क्योंकि एक नया खिलाड़ी उतरा इस धंधे में, वो बार बार अपने फॉर्म बदलते जाता है, तरीके बदलते जाता है डेटा कलेक्ट करने के, जिससे राज्यों को और मुसीबत हो रही है। क्योंकि जैसे शायद अंकुर वो एग्जांपल देंगे कि ऐप में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो नया ऐप लेके आ गई है ICMR अब डेटा के लिए, अगर आप बताएं अंकुर उस बारे में तो अच्छा रहेगा। हाँ, लाइक जैसे नितिन बोल रहे थे कि कई लेवल पर अनदेखी हुई है, मैं थोड़ा शुरुआत से शुरू करना चाह रहा था कि बिल्कुल शुरुआत में ICMR ने सरकार को एक पूरा स्टेप बाय स्टेप क्राइटेरिया बताया कि इस तरीके से ये प्रोसेस आप फॉलो करें, ये क्राइटेरिया देखें और इस बेसिस पे आप लॉकडाउन लगाएं और इस बेसिस पे आप लॉकडाउन को रिलैक्स करें। एंड बट ICMR ने, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी बिल्कुल कंप्लीटली अनदेखी कर दी, उसको एक सिरे से नकार दिया और अपना खुद का पैरामीटर जारी किए। वो खुद एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जहां हम बात करते हैं अपना खुद का, तो ये इसके पीछे दिमाग किसका था, कुछ पता चल रहा है? ये मृदुला और नितिन बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमने कई पता करने का कोशिश किया कि ये कहां से आया। हमको उसका जानकारी नहीं मिला, हमको ये नहीं पता कि ICMR और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में इस नए तरीके के, नया जो जोनेशन क्राइटेरिया इन लोगों ने निकाला, उसका बेसिस क्या था, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स थे। इन्होंने स्टेट्स को ये तो बोल दिया कि अब ये 4 पैरामीटर आप फॉलो करिए डिसाइड करने के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स, बट ये नहीं बताया कि वो 4 पैरामीटर कैसे काम करते हैं, लाइक नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, कितने केसेस में वो कितने डेज में वो केसेस डबल होंगे, क्या सर्वेलेंस फीडबैक होगा, क्या एक्सटेंट है टेस्टिंग का, ये आपस में मिलजुल के कैसे काम करते हैं, उसके बेसिस पे रेड जोन डिसाइड होगा। स्टेट्स को कुछ पता नहीं, सेंटर बैठा बैठा डिसाइड कर लेता है कि कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा ऑरेंज है, कब ऑरेंज ग्रीन हो जाता है, ऐसी कोई जानकारी स्टेट्स को नहीं होती। इसलिए मुझे तो कई बार ये भी डर लगता है कि हमको असली में पता ही नहीं है कि कितनी जोन्स रेड है, कहाँ पे वो जोन्स रेड है, कितनी जोन्स ग्रीन है, कोई ढंग से क्लैरिटी नहीं है हमको। और इससे क्या दिक्कत हुई? जी नितिन। हाँ भाषा, जो आप बोले एकदम सही सवाल। हालात ये हुए कि हमने देखा कई राज्यों से हमने बात करी, उन्होंने अपने कागज दस्तावेज दिखाए सबने, हम उनकी बातों पे भी नहीं गए, हमने दस्तावेज मांगे जिसने भी जो कहा वो प्रूफ करने के लिए। हमने देखा कि कई राज्यों में एक डिस्ट्रिक्ट में दिखाया कि 6 केस हो गए, पता चला कि वो जिले के हैं ही नहीं, वो किसी और प्रदेश के हैं, वो रिकॉर्ड हो गए वहां पे, और प्रदेश लिखे जा रहा है चिट्ठियां कि बदलिए, ये हमारे प्रदेश के नहीं है, और ICMR या सेंटर चुप बैठा हुआ है। 3 महीने बाद जग के बोलता है अच्छा चेक करो, हमें भी लगा है कि 5,000 केसेस 33,000 में से जो है ये पता नहीं चल रही है भी कि नहीं है ये, क्योंकि कई बार आप ये भी सोचिए कि लोगों की टेस्टिंग 2-2, 3-3 बार होती है, अगर एक बार पॉजिटिव आ जाए। रिकॉर्ड में पाया गया कि एक आदमी की 3 बार टेस्टिंग हुई, उसके 3 रिकॉर्ड अलग बना दिए जैसे वो 3 अलग आदमी है, अब वो भी ढूंढे जा रहे हैं। कई बार ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र का आदमी या छत्तीसगढ़ का आदमी है, वो पंजाब में था, उसने एड्रेस अपना घर का दे दिया पुराना, तो उस पे हो गया कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ में हो, जबकि वो टेस्टिंग दिल्ली में करा रहा है। तो ऐसे कई मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि ICMR कभी चेक नहीं करता था कि मैंने अगर बोल दिया टेस्टिंग करते हुए, एक तो डंडा जो पुलिस चलाती आई है उससे हर एक में खौफ आ गया कि हम अपना नाम पता ना ठीक से बताएं, पता नहीं क्या कर देगी पुलिस हमारे साथ या सरकार, लोग इधर उधर का एड्रेस गलत फोन नंबर डाले जा रहे थे, ICMR उसको चेक ही नहीं कर रहा था। तो मैंने डाल दिया अपने फूफा का एड्रेस जो बैठे हैं कलकत्ता में, तो मैं रजिस्टर हो गया कलकत्ता में, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया चंडीगढ़ का, तो मैं हो गया चंडीगढ़ का, मैं जहां मैं जांच करा रहा हूं वहां नहीं मैं रजिस्टर हो रहा हूं, वहां भी हो सकता हूं मैं, 3 जगह भी एक साथ हो सकता हूं ICMR के डेटाबेस में, गलत नंबर गलत पता गलत नाम भी दे सकता हूं। और वो 3 महीने बाद ICMR अब स्टेट्स को बोलता है कि आप सारे के सारे दोबारा चेक करिए एक एक करके कि सही है कि गलत है, और ये 29 अप्रैल को इन्होंने भेजा, तब 33,000 केस है। अब सोचिए आज तक वो एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है, आज हम 80,000 केसेस की बात कर रहे हैं। अब राज्य सरकार बैठ के एक एक को दोबारा चेक कर रही है, फोन मार रही है कि आप सही में ये हो जो आपने बोला था, आप हो के नहीं हो,
कि आप कोई और निकल आए, और इस बलबूते पे हम पूरे शहर के शहर बंद कर रहे हैं, और जिससे इतना नुकसान हो रहा है जो हम कह रहे, बहुत लोग कहानियां दिखा रहे हैं कि सड़कों पे लोग जो इधर से उधर भाग रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, वो इसी सब का नतीजा है। हो सकता है कुछ शहर ऐसे थे जहां पे बंद करने की जरूरत नहीं थी, हो सकता है कुछ ऐसे शहर थे जहां जल्दी बंद करने की जरूरत थी, वहां नहीं किया गया क्योंकि डेटा गलत है। एक चीज जैसे इसमें एक केरल का अनुभव है, केरल एक में जो प्रयोग रहा वहां पे जिस तरह का रहा, उसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, वो कैसे संभव हुआ कि वो रोक पाए और अभी स्थिति यहाँ तक पहुंची है? वो तो काफी पहले से, शायद फरवरी से ही, जनवरी फरवरी से ही उन्होंने काम शुरू की थे कि इस रोग को कैसे देखा जाए। उन्होंने घर घर में जो हमारे पहला पार्ट का जो काफी बड़ा पार्ट है कि ICMR ने ये सलाह दी थी केंद्र सरकार को कि आप घर घर में जाके लोगों का जांच करें कि उनको बुखार खांसी के सिम्टम है। हमें पता है कि कोरोना जो है कई सारे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वारंटीन करे, मतलब दो में से एक को क्वारंटीन करे टाइम में, तो आप उस बीमारी का फैलना मतलब थोड़ा रोक पाओगे। केरला ने यही किया था, उन्होंने आशा वर्कर को भेजे घर घर में, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सभी सर्वे किया गांव गांव लेवल तक, गांव से लेके शहर तक, ये सब एक्सरसाइज किए जिससे उनको जल्द से जल्द पता चला कि किसको ये बीमारी है, किसको टेस्टिंग की जरूरत है, किसको आपको किसको ज्यादा केयर की इलाज की जरूरत है। ये करके उन्होंने खास आज तो अभी केरला में एक शायद कोई केस है ही नहीं, अभी नए केस नहीं आ रहे हैं जो अभी है, हाँ कुछ दिनों से ऐसा बात है। लेकिन ये जो घर ICMR ने काफी क्लियरली बताया सरकार को मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरुआत में कि यही एक घर घर सर्वेलेंस छोड़ के और क्वारंटाइन छोड़ के और कोई इलाज नहीं है इस डिजीज के लिए। इस डिजीज का कोई वैक्सीन नहीं है, ना कोई दवाई है, सिर्फ आप लोगों को वेंटिलेटर पे रख सकते हो अगर उनका कंडीशन काफी खराब हुआ, लेकिन क्वारंटाइन छोड़ के घर घर जाके आप नहीं कर पा, आप इसका आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। भाषा अगर मैं जोड़ सकूं मृदुला की बात से, जो मृदुला बोल रही थी कि फरवरी से विशेषज्ञ सरकार को बोलते रहे एक चीज ना करने को, उन्होंने साफ तौर पे बोला लॉकडाउन मत करिए जो चाइना स्टाइल का है, दूसरा उन्होंने बोला कि आप घर घर, जैसे मृदुला ने बोला कि घर घर जाके चेक करिए और इंतजार मत करिए टेस्टिंग होने का, उससे पहले अगर आपको उसके सिम्टम दिख जाए तो उनको क्वारंटीन में रखिए, क्योंकि खास करके रिहायशी इलाके शहरों में जो गरीब तबके के हैं उसमें लोग एक साथ रहते हैं, अगर आप उनको बंद कर देंगे तो एक तरीके से आप उनके अंदर बीमारी फैला रहे हैं। यहाँ पे आप सोशल आइसोलेशन नहीं कर रहे हैं, आप तो उनको मजबूर कर रहे हैं कि एक दूसरे में बीमारी फैलाए। तो उन्होंने कहा था कि इन ऐसे जगहों पे तो लोगों को जल्दी बाहर लाइए, विश्वास दिला के कि उनके साथ सही काम होगा, पुलिस के डंडे बजाने से तो कोई डर के मारे बाहर नहीं आता, लेकिन सरकार ने एकदम उल्टा कर डाला। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कई जो गरीबी इलाके हैं शहर में उसी में सबसे ज्यादा बीमारी अब निकल के आ रही है। यह एक चीज आपसे नितिन मैं पूछना चाहूंगी कि जो आपने खौफ की बात कही, मैं पिछले 50 दिन से रोज आवाजाही कर रही हूँ, सरकार की तरफ से भी आया, महाराष्ट्र में हमने देखा उन्होंने कहा कि पत्रकारों की भी फ्री, हम अपने दोस्तों से भी यहाँ बात कर रहे थे, सबके दिमाग में ये डर था कि अगर हम पॉजिटिव निकल गए, अगर हमने जांच करा ली, अगर हम, मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ, तो हमारा क्या हश्र हो गया, कैसे क्वारंटाइन है और किस तरह से रखा जा रहा है, और खासतौर से नोएडा से जो आंखों देखा हाल हमें देखने सुनने को मिल रहा था, मेरे भी कई परिचित थे वहां पर, तो वो इतना खौफनाक था क्वारंटाइन होना, मतलब अब तो थोड़ा आ रहा है कि आप घर में भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत देर से आया ये जो शुरू का पूरा फेज था, ये क्यों, इस बारे में आपको लगता है कि वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि इस तरह से किया जा सकता है, क्वारंटाइन को लेके कोई सुझाव सलाह मिली थी सरकार को? सरकार को बिल्कुल सलाह मिली थी, हमने वो एविडेंस भी दिखाया है जहां ICMR और बाकी विशेषज्ञ सरकार को बोले थे कि कम्युनिटी सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी करना है आपको, डंडे के जोर पे कुछ नहीं करना है। पर इसके लिए मेरे ख्याल से भाषा अगर हम चार लोग भी बैठे और सिर्फ ध्यान से सोचें तो इसमें कोई साइंस नहीं चाहिए,
इसमें बेसिक समझ चाहिए कि आप अगर किसी को स्टिग्माटाइज कर दे और बोले कि तेरे को बीमारी है तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ोगे और तुम्हारे तुम्हें पुलिस उठा के घर से ले जाएगी। हमारे शहर में आजीवन कारावास, उत्तर प्रदेश सरकार ने आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया है कि अगर इससे पहले आप इसके बजाय अगर आप ये कहते कि कोई भी बीमार है आइए हम उसके लिए जगह बना रहे हैं, रहिए हम 14 दिन का खाना भी देंगे, आपके परिवार को भी 500 रुपया देंगे और विश्वास दिलाते हैं कि वापस आप ठीक होके जाएंगे, अगर इस तरीके से कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलके किया गया होता तो ये बहुत आसान होता। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, अगर आप हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोटोकॉल है, कम्युनल वायलेंस के जो प्रोटोकॉल है, इस सब में सिर्फ पुलिस के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, आपका काम है ना कि कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलके शांति बहाल करिए और जो एक्टिविटीज करनी है करिए। ये भी एक आपदा थी, इसमें वही तरीका अपनाना था जो प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ है, और हम जो प्रोटोकॉल्स लिखा है वो अभी भी नए नए प्रोटोकॉल्स लिखे गए उनमें कोई फॉलो नहीं किया गया, ये नए नए रूल्स बनते रहे और नए नए ऑर्डर आते रहे जिसपे काम होता रहा। अंकुर अगर तुम जोड़ना चाहो कुछ। हाँ मैं बस ये ऐड करूंगा कि पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग में ट्रस्ट बेसिस है, चाहे वो आप प्राइमरी लेवल पे करो, सेकेंडरी लेवल पे करो, टर्शियरी लेवल पे करो, कम्युनिटी लेवल पे करो, बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। मतलब आपको लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप सामने आके अपने आप को टेस्ट कराओ और अगर आप पॉजिटिव निकलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका ध्यान रखेंगे। लोगों को विश्वास दिलाना होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करना होता है कि लोग सामने आए, गलती करी हो तो बताएं, उसके बेसिस पे जो आप रिजल्ट देखते हैं पब्लिक हेल्थ में वो कहीं बढ़कर है टेस्टिंग या जो आपके मेडिसिन लेवल के जो इंटरवेंशन है उससे कहीं बढ़कर सोशियोलॉजिकल लेवल के इंटरवेंशन काम करते हैं। तो यहाँ पूरी तरह से जोड़ती हूँ मैं, और एक बात जोड़ती हूँ, ICMR ने खास करके मतलब ऐसे जैसे नितिन कह रहे ये सब गाइडलाइन है लिखे हुए हैं, लेकिन ICMR ने खास करके एक ये विश्वास बढ़ाने की ये भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि आप जब आप जा रहे हैं बाई वीकली बेसिस घर घर में लोगों को लोगों का ये बुखार और काशी जांच करने के लिए, उस वक्त आप उनको खाना भी दीजिए, राशन भी दीजिए। अगर सरकार इस तरह से गई ना कि आप राशन देने जाए लोगों में, तो थोड़ा तो विश्वास तो बढ़ेगी लोगों में कि हाँ ठीक है सरकार हमारे देखभाल के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप पुलिस को लेके जा रहे हैं, लोग पुलिस को डंडों से के डंडों से अंदर रख रहे हैं, हमने उनको अपराधी बना दिया कि अपराधी को खोजने जा रहे हैं। आप शायद देखे होंगे इंदौर में कई सारे लोगों ने आशा वर्कर पे हमला किए क्योंकि इतना डर पैदा हुआ था कि फैला हुआ था पहले से ही कि ये कुछ तो कार्यवाही होने वाले है उनके खिलाफ, और खास तौर से माइनॉरिटी में और अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर जिस तरह का पूरा पहला फेज केंद्रित रहा हमले के तौर पर, उसने भी मुझे लगता है कि एक बड़ा भय का खौफ का माहौल बना दिया। बल्कि मैं तो कहूंगा भाषा की हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इतने पॉपुलर हैं देश में, ऐसा पॉपुलर मैंडेट बहुत कम नेताओं को मिला है, अगर वो इस वक्त भी ये थाली बजाना और दिया बत्ती जलाने की जगह अभी भी बाहर जाके बोले जनता को कि आप विश्वास करिए और मैं सबको बोलता हूँ कि बाहर आइए टेस्ट कराइए, तो शायद अभी भी बदलने का समय है। लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को एक अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना, ड्रामा के लिए ना इस्तेमाल करना, वो इस समय भी बहुत जरूरी है। अच्छा, और ये ऐसे सुझाव जो आप लोगों की रिपोर्ट में आप लोग लाए हैं, बहुत साहसिक काम किया है, बहुत गहन विश्लेषण आप लोगों ने किया है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आपकी पूरी टीम यहाँ पर है, एक साथी नहीं है, 5 जो प्रमुख चीजें सरकार अगर करती या जिनका सुझाव सरकार को दिया था, तो जो ये अभी कोरोना आपदा और उसके बाद जो लॉकडाउन आपदा और उसके नतीजे के तौर पर जो महापलायन हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग हैं, क्या प्रमुख 5 चीजें थी जो सरकार को सुननी चाहिए? 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक बहुत साफ जो मिदुला और अंकुर ने बोला कि आप कम्युनिटी सेंट्रिक एक्टिविटी करिए, आप
लोगों के साथ समुदायों के साथ काम करिए, विश्वास दिला के कि बीमार होना कोई आप पाप नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, सरकार आगे आके आपकी मदद करेगा। दूसरा, टेस्टिंग का भी इंतजार ना करने से पहले लोगों को क्वारंटाइन करना अगर उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं। तीसरा, टेस्टिंग बढ़ाना और टेस्टिंग एक तरीके से करना, ये नहीं कि आज शहर के एक कोने में कर दिया कल दूसरे जिले में कर दिया, एक तरीके से करना। तीसरा, स्टेट्स के साथ अच्छी तरह काम करना, बराबर के साथ काम करना, ये नहीं कि स्टेट्स को ऑर्डर देते फिरना, उससे नहीं होगा। चौथा, जो कि अब अनिवार्य हो गया है मेरे ख्याल से, ये हमने काम नहीं किया लेकिन इस पर हमने बहुत बड़े अच्छे सब पत्रकारों का काम देखा है और समझा है और बाकी लोगों से बात करी है, कि अब लॉकडाउन की जो मुसीबतें पैदा हो गई हैं इससे आराम देने के लिए गरीब तबके में खास करके बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है, मदद की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हुई है। ये मैं अब फिर बोलूंगा, ये हमारे काम पे से नहीं निकलता है लेकिन हमने इतने लोगों से बात करी है, इस समय पे जो लॉकडाउन के गलत परिणाम है वो उतने ही बड़े हैं जितने आपदा के हो गए हैं। और एक चीज, आप में से कोई भी जवाब दे कि ये जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, कितने मरे, कितनी लाशें, कितने केसेस है ना, और ये रिवाइज भी बहुत दिलचस्प ढंग से हो रहा है, इसको लेकर क्या ये मतलब किसी भी आम आदमी के लिए, मेरे जैसे पत्रकार के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से डेटा पर आप विश्वास करें, ये सही बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, खासतौर से दिल्ली और बाकी और इलाकों में भी, जहाँ पे शुरू में बिल्कुल बताया जा रहा था कि वो ग्रीन है, कुछ नहीं है, फिर अचानक निकलता है। और दो तो निजी मेरा अनुभव है, दो दोस्त ऐसे रहे जिनके दो टेस्ट निगेटिव आए, थर्ड टेस्ट उनका जो है पॉजिटिव आया, तो अब वो भी बड़ी उहापोह में रहे। तो ये जो सारा चीजें टेस्ट के इर्द गिर्द चल रही है। और दूसरा एक बात तो काफी क्लियर है मेरे मन में कि ये ICMR का जो लैब डेटा जो है वो काफी नहीं है, वो काफी से बहुत दूर है, क्योंकि ये ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं टेस्टिंग पे भी कोई भरोसा नहीं है, अगर टेस्टिंग के ठीक खराब निकल रहे हैं तो टेस्टिंग का जो भी पैरामीटर्स है वो ठीक से नहीं दिया जा रहा है, अगर उस टेस्टिंग किट की कमी है तो एक तो आप उस पर कोई भरोसा नहीं रख पाएंगे। दूसरे, अगर जैसे हमने पहले भी कहा है कि ये जो ICMR का जो डाटा है जो लैब से आते हैं, अगर इसका ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है पहले से ही तो आप इस पर कैसे भरोसा रख पाएंगे। ये जो NCDC का डाटा जो है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, और राज्यों का डाटा है, ये कुछ लेवल तक हम उस पर हम भरोसा रख सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड वेरिफिकेशन है। कम से कम इतना किया जाता है कि ये जो व्यक्ति जो है जिसका पॉजिटिव टेस्ट हुआ है वो सच में है, वो सच में यही यहाँ रहता है, यहाँ गए 14 दिन में, यहाँ गए हैं, मतलब इतना तो हम भरोसा रख सकते हैं कि इतना तो वेरिफिकेशन हुआ है। लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं, जैसे दिल्ली में आपको तो पता है कि ये जो डेथ रेट जो है वो किसको क्या पता कि कितने लोग मर गए एक्चुअली कोरोना से, नहीं तो क्या राज्य सच में टेस्ट करा रहे हैं हर जगह में जहाँ पे उनको करना चाहिए। इस टेस्टिंग डेटा मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भरोसा रखने वाली बात है, और हम इस लेवल तक आए हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का फेज में आया है मुझे लगता है। तो मेरे समझ में मुझे लगता है कि शायद डाटा से हम नहीं कर पाएंगे, हमको सिर्फ कैपेसिटी देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल का क्या कैपेसिटी। अगर मैं मृदुला की बात में जोड़ सकूं, जो हमने पाया है कि एक मुसीबत जो हमने अपने ऊपर खुद डाल ली है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, कि हमने एक जिसे हिंदी में बोलो तो एक मर्दानगी इसका बना दिया कि अगर हमारे कम नंबर आते हैं तो हम बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, ये एक माहौल बना दिया गया है और ये फालतू का एक माहौल बन गया। अगर हम इसको बदलें, एक चीज और कि जैसे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज फैला रही थी कि हमने थाली बजाई, दिया जलाया, हमने अब मैं गुड़गांव में देख रही हूँ कि पतंजलि के बैनर के साथ यज्ञ हो रहा है, और इसके वजह से रुक गया, ये एक माहौल बनाने की भी बहुत कोशिश थी। तो आपको लगता है क्या कि ये आंकड़ों से भी इसलिए खेला जा रहा था कि एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाए कि युद्ध हमने मेरे ख्याल से मेरा विश्वास है कि ये जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन ये सरकार की इनकॉम्पिटेंस
और काम ना कर पाने का नतीजा है। इसमें कोई मैलिस नहीं था किसी सरकार का, लेकिन जो गड़बड़ ये थी कि जो ऊपर से शुरू हुआ प्रधानमंत्री से और बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी ये बना लिया कि अगर हम कम नंबर दिखाएंगे तो हम अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर इसको आप केरला मॉडल में एक ये खास था कि वहां खुल के बोले थे हाँ हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, हम हर से जूझेंगे, हर एक का ट्रीटमेंट करेंगे। अभी समय है पारदर्शिता का, बताने का सिटीजंस को कि क्या हो रहा है खुल के, और सरकार को लोगों के साथ काम करने का, लोगों के ऊपर बैठ के काम करवाने का नहीं। तभी पैंडेमिक में जैसे अंकुर ने बोला, जिसका बहुत एक्सपीरियंस है बाकी देशों में भी कि हेल्थ में कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, ये एक सबसे जो उसने बोला सोशियोलॉजिकल इश्यूज जो हैं कि सरकार कैसे लोगों के साथ और राज्यों के साथ काम करे, वो अपना बर्ताव बदले, वो इस समय पे बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों का खुलासा है, ये जो रिपोर्ट है, दो सीरीज इसकी आ गई, क्या आगे भी और ला रहे हैं आप इस पर? जी, हमने दो हिस्सों की एक सीरीज पहले करी थी, अब मिल्ला ने इस बार करी है। हम लगे रहेंगे क्योंकि अभी तो जरूरत है पत्रकारिता की। जी जी जी, तो आप सब लोगों को बधाई, बहुत अच्छा अच्छी रिपोर्ट है और बहुत सही समय जो तमाम सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे थे वो आप लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेट करके, खोजबीन करके, तमाम पक्षों की राय जानकर हम सब लोगों के सामने रखा है। और हम ये आशा कर सकते हैं कि ये जो बहुत अहम सवाल, क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना के साथ हमें रहना होगा और जो संकट है इससे जूझने के लिए निश्चित तौर पे ऐसी जो रिपोर्टें हैं इनकी बहुत जरूरत है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये रिपोर्ट इतने गहन विश्लेषण और इन्वेस्टिगेशन के साथ आप लोग लेकर आए। शुक्रिया।